अच्छा है, 10 में से कितने हैं? कसम मैं बता रहा हूँ, उससे अच्छी ना केलोर्स पे जाके ना मोचा फ्रैक पे बोलेगा ना। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज की व्लॉग पे बस इस कमरे से सारी व्लॉग शुरू हुई हैं और होती रहेंगी, इन फ्यूचर हो सकता है नया कमरा हो जाए, तुम लोगों की कृपा होनी चाहिए। तो भाई आज की व्लॉग थोड़ी सी हमें जल्दबाजी में करनी है। अबे पंखा चल रहा, आवाज़ ना आए कहीं। हाँ तो अभी आज की व्लॉग हमें थोड़ी सी जल्दबाजी के अंदर करनी पड़ रही है स्टार्ट, क्योंकि कार्तिक पहुँच चुका है नए मॉल। हम जा रहे हैं देहरादून के अंदर, नया खुला है सेंटेरियो मॉल, तो कार्तिक वहाँ पहुँचा है। कार्तिक कह रहा है यार वो बोलिंग वोलिंग करेंगे, ब्लॉग व्लॉग कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, फटाफट चलते हैं। फटाफट शॉप से आया मैं, सब काम वाम किया, फटाफट GoPro लगाया। ब्रूनो जी को देखो, बेवड़ों की तरह बैठे हैं। तो बस अब फटाफट निकल रहा हूँ मैं, कार्तिक वहाँ पहुँच चुका है। सही टाइम पर उसका एग्जैक्ट कॉल आया मेरी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, पावर बैंक लेके आ जाइए। मैं ठीक भाई लेके आ रहा हूँ, तो फटाफट चलते हैं ट्यूब पे मिलते हैं क्रेटॉस पे, और उस पर भी एक चीज़ हो गई वो दिखाऊंगा, किस्मत भाई। तो भाई देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखा रहा था, ये देख रहे हो, ये हल्का सा तुम लोगों को दिखना चाहिए, हल्का सा ये स्क्रैच आ चुका है हल्का सा। मेरे को इतनी खुंदक चढ़ रही है ना, अभी पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे को ये स्क्रैच ही सपनों में आ रहा है। अब हुआ क्या इसका सीन, मैंने ना सोचा था इसकी जो चाबी है गोदाम की लगा लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए मैंने लगाई, और 1 किलोमीटर में काम हो गया। तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था मेरे को, तो भैया मैंने हटाया। मैं टेफ्लॉन जब कराऊँगा, टेफ्लॉन हो जा रहा है लेकिन हो नहीं रहा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को जाऊँगा टेफ्लॉन कराने। देखते हैं जिस दिन टेफ्लॉन होगा उस दिन अगर ये निकल जाए तो वेल एंड गुड। यार मेरे को बड़ा दुख हो रहा है यार, इसलिए ना मैं चाहता था मैं आते साना गाड़ी की लेमिनेशन करा लूँ, लेकिन मेरे को ना टेफ्लॉन फ्री मिला तो ये पंगा पड़ गया। तो भाई ये जो देहरादून के मॉल में जा रहे हैं ना, ये अभी नया नया खुला है, और इस मॉल की खासियत क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ। ये देहरादून का कौन सा मॉल होगा, एक क्रॉस रोड हो गया, एक पैसिफिक हो गया, एक टाइम स्क्वायर था जो कि बंद हो गया, उसके अलावा और कोई मॉल खुला नहीं खुला पता नहीं। ये चौथा पाँचवा देहरादून का मॉल है, अब ऐसे नहीं कह सकते देहरादून बहुत ज़्यादा, शाबाश ये कर लो पहले। हाँ तो भाई ये देहरादून का चौथा पाँचवा मॉल होगा। सो देहरादून के अंदर मतलब ऐसे नहीं कह सकते डेवलपमेंट नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है पहले से। भाई कैपिटल है उत्तराखंड का, आई सपोज समर कैपिटल है उत्तराखंड का, दो कैपिटल है उत्तराखंड के, समर एंड विंटर। तो ऐसा है, बाकी यहाँ पे एक तो देहरादून में एक स्टारबक्स खुला है ऊपर राजपुर रोड पे, और दूसरा इस मॉल में। तो इस मॉल में अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ ऑपरेशनल नहीं है, शायद एक गेमिंग एरिना ऑपरेशनल है, और एक है आपका यही मॉल का क्या नाम, स्टारबक्स। ये क्या ठहरो देखो जाओ क्या भाई, ठहर गए देख गए और चल दिए। तो भाई ऐसा सीन है, तो अभी देखते हैं। मैं स्टारबक्स भाई, मैं अगर स्टारबक्स में कॉफ़ी पीऊँगा यहाँ, तो भाई मेरा पहली बार होगा स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने का सीन है, मैंने आज से पहले कभी स्टारबक्स में कॉफ़ी पी नहीं है। सो देखते हैं। कार्तिक बाकी वहीं पे वेट कर रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ गया था, तो उसकी फैमिली चली गई है, अब वो मेरे साथ घर आएगा, सो रस्ते में मुझसे मज़े ले सकते हैं बढ़िया वाले। बाकी देखते हैं यार क्या सीन है, मैं पहली बार स्टारबक्स में कॉफ़ी पिएगा और हम उसे रेटिंग करेंगे, और बॉलिंग की भी वीडियो बनाएंगे यार, और देखते हैं। अरे यहीं आ जाओ, छाती में घुस जाओ हमारी। तो भाई बाकी बॉलिंग करने वाले हैं हम कार्तिक और मैं, कार्तिक मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है बॉलिंग के अंदर, मेरे को तो पता नहीं क्या है, देखते मेरे से कैसी बॉलिंग होगी, बेइज्जती तो होने ही वाली है, अंटे तो हमारे वैसे ही बचपन से ठीक नहीं थे। बाकी यार तुम लोग से कोई तुम लोग क्या हो गया, ये इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गई। तो भाई बाकी तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोगों को व्लॉग्स कैसी लग रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भाई ज़रूर फीडबैक नीचे कमेंट करके बताओ कि अभी व्लॉग्स कैसी लग रही है, क्योंकि भाई एक ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी क्वालिटी की व्लॉग्स के अंदर। एक तो सबसे पहले GoPro आ चुका है, सो साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो चुकी है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मैं कंटेंट की क्वालिटी भी थोड़ी ऊपर करूँ, जो कि मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी याद आया इनको। अभी इसने यहाँ अगर ब्रेक मार देनी थी ना, चिपक जाती मेरी ड्यूक इससे, और फिर मैं इसको चिपका देता दीवार से सच्ची। तो भाई यही सीन, बाकी मेरे को बताओ कितना इंप्रूवमेंट तुम लोगों को लग रहा है कंटेंट के अंदर, कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ कैमरा प्लेसमेंट है वो, बाकी मैं कुछ और चीज़ें भी सोच रहा हूँ जो मैं ट्राई करूँगा चैनल पर, बाकी देखते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है मॉल कहाँ खुला है देहरादून के अंदर, भाई ये पासपोर्ट ऑफिस है जो यहाँ पे आगे आके उसी के एक ही पासपोर्ट ऑफिस है उसी के पास खुला है। सो ये आ गया मेरे ख्याल से बहल चौक से पहले वाला चौक है, वहाँ से जो हम लेफ्ट जाते हैं तो वहाँ से जाके आगे खुला हुआ है, और रेडिएटर फैन चालू हो चुका है, थैंक गॉड रेडिएटर फैन सही चल रहा है। अब बाकी मॉल देखना पड़ेगा, इससे पहले कार्तिक का कॉल आ जाए, भाई कहाँ पहुँचा, आने वाला है। बाकी मॉल तो दूर से ही दिख जाना चाहिए, और मैंने एक बार भी नहीं देखा है। वो सेंटेरियो मॉल भी नाम है, यूनिसन मॉल भी पता नहीं, यूनिसन वर्ल्ड क्या क्या नाम है। तो गाइस देखने से तो यही लग रहा है, लेफ्ट साइड में देखो ये बड़ा सा, हाँ सेंटेरियो यहीं से दिख गया लिखा हुआ,
तो यही होगा कि कार्तिक सरकार का कॉल जस्ट आने वाला है, जस्ट मैं सच बता रहा हूँ आने वाला है, हम पहुँचेंगे नहीं और कॉल आ जाएगा। एंट्री कहाँ से है भाई? देखा जाए तो एंट्री यहाँ से, ओके नीचे जाना है। अरे कहाँ जा रहा है ये? एक चीज़ बताओ ना, किधर? फोर व्हीलर टू व्हीलर? टू व्हीलर इधर से, ओके कूल। कितनी पार्किंग होगी गाइस? गैस आ गया, देखा है ही नहीं सर, नहीं लिए। कितने अभी? अरे सर क्या बात, ये पर्ची संभालनी पड़ेगी भाई। देखने में तो अभी तो बढ़िया सरफेस है, किधर जाना है भाई, कोई गाइड करेगा? टू व्हीलर राइट, ओके कूल। गाइस BMW GS खड़ी है, GS के बगल में खड़ी करने वाले हम। वो भैंस की आंख रेता है। सरकार पार्क भी ना करे क्या नीचे पार्किंग में? आ गए, पता है मेरे को, देख लिया था साले, एक चुतिया था जो जैसे ऊपर है। अच्छा है तू? मैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मतलब? फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मतलब? कंफ्यूज, खुद कंफ्यूज है किस फ्लोर पे, बता दे। ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ देखो लिफ्ट के पास ही मिलूंगा, लिफ्ट के पास ही खड़ा। तो लिफ्ट है कहाँ? तो भाई मैं बहुत तेज़ भी नहीं बोल सकता, मॉल के अंदर हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ। कार्तिक हमारे साथ है और मेरे को एक फ्लोर ऊपर आने के लिए कम से कम तकरीबन 10 मिनट वेट करना पड़ा है। मैं ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए कितना गया हूँ? बेसमेंट वन बेसमेंट टू लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, ऐसे करके पहुँचा हूँ मैं ग्राउंड फ्लोर पर। तो भाई देखो ये है मॉल। अगर आज तक आपने टट्टी मॉल ना देखा तो ये हमें से एक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द देहरादून न्यू मॉल, देख लो जबरदस्त है। कुछ ना है, कुछ ना, बाकी तुम्हें बाहर से भी दिखाते हैं, एक बार बाहर से दिखाते हैं। आ जाओ कार्तिक, तीन बार तो आ चुका है तू। ये लोंडा यहाँ 600 रुपए का बर्गर खाने आया था, 600। मैंने कहा भाई क्या, आपको क्या पता था बर्गर में क्या 24 कैरेट की थी? मैंने उसे कहा, मैंने कहा सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, उसने कहा बर्गर है। 24 कैरेट गोल्ड की है, तब मेरे को पता चला 24 कैरेट की गोल्ड की टिक्की डाल के दी थी उस साले ने तेरे को उस पे। और सबसे बड़े पता है मेरे बात को ही, मैंने बर्गर खा लिया, मेरे को बहुत सही लगा, मतलब वो बेकन वेकन और ये सब चीज़ें डली हुई उसमें और प्रॉपर मटन पैटी और ये सब, और वो और बनाया खाया उसका। मैंने कहा भैया पैक कर दो, मतलब भाई के लिए भी ले जाओ, ठीक है। उसका बिल आया भाई 1800 रुपये का बिल आया वो मेरा। और ये मुझे कह रहा था मैं बर्गर खिलाऊंगा, ये मैं कतई नहीं। पहला स्टॉप बोलना था राइडिंग बीट्स। पहला स्टॉप है अपना स्टारबक्स। तो अपन लोग आए हैं, मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी कॉफ़ी ऑर्डर की है, वो भी स्मॉल वाली है, स्मॉल वाली इतनी दूर ले जा, आवाज़ नहीं आएगी साले, वैसे नहीं दिख रहा तू। तो भाई यही पंगा, इतनी महंगी कॉफ़ी जिंदगी में मैंने नहीं पी, और वो भी स्मॉल है, टॉल ब्रांड है, और क्या होता है उसके बाद पता नहीं एक और आता होगा, टॉल इज स्मॉल, जिंदगी में पहली बार सुना मैंने टॉल इज स्मॉल। कार्तिक आर वेरी टॉल। ये वॉल है, यहाँ पे अपन लोग राइडिंग बीट सीखने का ट्राई करेंगे। बाकी जो छोटी सी टॉल वाली है ना हमारी, टॉल वाली, उसके अंदर मैंने राइडिंग बीट सीख पाया है, तो उसको भी थोड़ा क्लिक करेंगे। गोवा चल रहे हैं सर, ये गोवा जा रहा है, ही इज डूइंग द इम्पॉसिबल गाइस, इम्पॉसिबल, गोवा जा रहा है कार्तिक। मेरा मन भी नहीं, मन भी नहीं, मैं मन मार के जा। कार्तिक तू थाईलैंड जा, तू थाईलैंड जा। वीज़ा नहीं देंगे वो तुझे, शक्ल देख के थाईलैंड के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। ये वीडियो में नहीं आ रहा, कट। थाईलैंड की करेंसी लो है ना, उसके मतलब जिस कंट्री की करेंसी लो उसके लिए वीज़ा नहीं चाहिए, ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये गलत हुआ ना, इसको गोवा तक मारते हुए ले जाएंगे। भाई जिंदगी पहली बार अपन लोग स्टारबक्स की कॉफी ट्राई करते हैं, राइडिंग बीट 400 रुपए की कॉफी, माँ कसम मैं बता रहा हूँ, उससे अच्छी ना गेलोर्स पे जाके ना मोचा फ्रैपे बोलेगा ना वो मिलेगी चीनी। जब तूने बोला अच्छी ना तो मेरे को पता क्या लगा कि तू बोलेगा वो जो स्लश होता है ना वो अच्छा है इससे।
भाई वो मोचा फ्राई उस पर ज़्यादा अच्छा मिलता है। चीनी फ्री में देते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं यार। फ्री में देते हैं, चीनी लेके आऊँगा। ये फ्री का है जो खा रहे हैं। अभी जब असली माल आएगा ना, बिल देख के हिल जाएंगे। ये मेरे को लेके आए, इतनी महंगी जगह ना। और भाई एक तो इतनी महंगी कॉफ़ी ले ली, पार्टी मेरी है। कार्तिक कह रहा पार्टी मेरी है। मैंने कहा हाँ भाई अभी बिल आता है देखते हैं, कुछ दिन पे पता चले। मेरे को यहाँ बाइक बेचनी पड़ रही। कार्तिक कह रहा पापा गाड़ी बेच दा जरा। भाई साहब हिल चुके हैं, अभी देखते हैं बाकी टेस्ट कैसा है। ये तो खा ही रहे हैं हम कब से, फ्री की चीज़ें पे लो। राइस खा चुका है कार्तिक जी ने, ग्रिल्ड चिकन राइस मंगाए थे। मुझे राइस दिख नहीं रहे, ढूंढने पड़ रहे हैं इसमें। बाकी मेरा पास्ता अभी खा के कार्तिक रिएक्शन बताए कैसा है। ठीक अच्छा है। 10 में से कितने हैं? कार्तिक इतना पीयर प्रेशर, फोक होते हुए फोक। कार्तिक नीचे से दो चाय, नीचे से दो चाय। मैंने खेलना ही नहीं। जय माता दी आथू। भाई अपनी बॉल बचानी पड़ती है, ऐसे मार देते हैं। That's